ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ ਦੋ ਕਨਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੌਠੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल है मी सारे दोस्त ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम अज का व्लॉग स्टार्ट करते मेरा नाम एहसन तो देते पे यूट्यूब चैनल एहसन 53 TDA यार साढ़े वाली साइड से तो माशाल्लाह धुप भी निकली हुई है तो हल्की हल्की बारिश होंगी इंजॉय वाला मौसम बनया हुआ बड़ा टाइट मौसम बनया हुआ तो गर्मी बिल्कुल है नहीं सुबह है सी तो लेकिन हूँ बहुत जबरदस्त मौसम बनया हुआ तो वीडियो अपलोड कर रहा से मैं दरम्यान दे विच लाइट चली गई थंबनेल भी बनाना हाले थंबनेल वाला ऐप जो माशाल्लाह नेट तो बगैर ओपन ही नहीं होता तो हूँ बाहर चल के तुम कुछ बाहर के सीन चेक कराने साडे कोल तो बारिश होन दी धुप भी आ धुप दे विच ही बारिश होन दी आ यार बच्चों के काम चेक करो तो फीडर दे विच मलाई फसी हुई है तो उन्होंने ये कढ़ती पई आ कांटा नहीं होंदा जिहड़ा कांटा उहदी पिन दे नाल मलाई कढ़ती पई हादिया निकालो फिर निकालो मलाई निकालो फिर कैसे निकालते हैं इसे साफ करो निकालो अजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत ज्यादा ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ ਦੋ ਕਨਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੌਠੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 53 ਚੱਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੌਠੇ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ सब तो ज्यादा साढ़े पिंड के चौर हुई है सब तो ज्यादा साढ़े पिंड चौर हुई है सब तो ज्यादा साढ़े पिंड का बुरा चाड़ देखा यार लाइट तो थोड़ी देर ही पहला आई है तो जिदी लाइट आई मैं वीडियो शीडियो अपलोड करती है यूट्यूब पर भी तो फेसबुक पर भी तो मैं एक वीडियो पाई है यार वो लाजमी देख लियो वो बारिश वाले दिन की आ 2-3 दिन पहला दी तो कमेंट भी करिए लाजमी हम टाइम जरा मगरब के करीब होने वाला यार मगरब की नमाज सा पढ़ के मैं हूँ ही घर वापस आया तो यार कल मेरा दोस्त आया थे एक उन्हें मैंने एक गल दसी मैं चलो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहिए है बड़ी इंपोर्टेंट गल आ तो उन्हें अपने किसी अगे दोस्त को सुनी कि एक बाबा हुंदा सी पापड़ां दी रेहड़ी लांदा सी वह पापड़ां दी रेहड़ी लांदा सी उहदा मेन मिशन हुंदा सी कि मैं पापड़ वेचने आ पापड़ वेचने उन्हें बच्चे आते होंगे सी डेली उह को पापड़ लै आते होंगे सी जैसे दिन उहदी सेल नहीं सी ना हुंदी रेहड़ी दी मतलब पापड़ नहीं सी वेखदे वो उस दिन कहना हुंदा सी भी आ जाओ मेरे को पापड़ तुसी उधार लै लो तो किस दिन उधार भी आवाम लै आती सी फिर तुहानू पता जिस टाइम आधार भी नहीं सी लैंदे नगद भी नहीं सी लैंदे उस टाइम वो कहना हुंदा सी अच्छा चल उद्दी लै जाओ फ्री लै जाओ कोई पैसे ना दोगे ना पापड़ों के मतलब पहले वो पैसे ना दिंदा सी फिर उधार दिंदा सी फिर ये कह दिंदा सी चलो फ्री लै जाओ मतलब उहदा फोकस की सी पापड़ वेचना वो पापड़ बिल्कुल रेहड़ी खाली करके घर लै आंदा हुंदा सी तो वह इस वजह तो कि वह बाबा जिहड़ा सी उहदी अपनी औलाद है नहीं सी कोई भी औलाद ना होने की वजह तो कहिंदा उहदे ज़हन च यही सोच सी भी अल्लाह सानू अगर थोड़ा भी दिंदा ना असी उत्ते सानू उत्ते भी राजी हो जाना चाहिए तो इस गल तो बहुत वड्डा सबक अपने वास्ते कि अगर कोई बंदा काम शुरू करदा उहदा शुरू दे विच काम नहीं चलता या बहुत ज़्यादा घट चलता उन्हें शुक्र करना चाहिए जिन्ना भी चलिया उसके उपर तो ऐसी वजह तो मैं कहना कि अल्लाह अल्लाह पाक का लख लख शुक्र करा करो तुहानू जिन्ना मिलिया उसके उपर ही राजी हो जा करो तो फिलहाल व्लॉग एंड करते हैं अगर तुहानू अज की वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दियो चैनल तो नवे चैनल सबसक्राइब कर दो जल्दी मिलते हैं कल के व्लॉग के साढ़े कोल तो बारिश होन दी धुप भी आ धुप दे विच ही बारिश होन दी है।